सकते हैं किचन में जस्ट आए और ये देख सकते हैं कितना सारा छीटा उड़ा हुआ है। मम्मी क्या भाई ये क्या हुआ किचन में, देखिए ना क्या किया है। तो अभी मम्मी इसको हेवी वाला डांस सुनवाने वाले हैं, देखते हैं पूरे किचन में इसने। मम्मी देखिए एक काम करने आती है ढंग से नहीं करती है, सारा चीज गंदा करके रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, केम छो एंड भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रे हुआ सब। स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग का टाइम 7:01 हो रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जिम। तो मैंने फिर से फाइनली वर्कआउट चालू कर दिया है क्योंकि वर्कआउट बहुत जरूरी है। हल्की हल्की आपको कुहा दिख रहा होगा, फॉग हल्की हल्की, काफी ज्यादा नहीं है बट टेम्परेचर काफी लो है। अभी तो कार में दिखा रहा है 14 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर के बाद जा रहे हैं। और जिस जिम में जा रहे हैं उस जिम में मैं शादी के पहले गया था, मतलब शादी से पहले उस जिम में मैंने कंटिन्यूस 4-5 महीने जिम किए थे, 4 महीने किए थे बट कंटिन्यूस जा नहीं पाता हूँ। 2-3 महीने 4 महीने गया गैप। एक ये बताना है कितने ऐसे बंदे हैं हमारे सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर्स में कि जिनके साथ भी ऐसा होता है कि वो जिम जाते हैं एंड प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, हर एक 1-2 महीना पर छोड़ देते हैं और फिर से अंदर फील लेके जाते हैं कि इस बार कर लेंगे बट कर नहीं पाते हैं। कमेंट करके बताना आप लोग। हम पहुँच चुके हैं लालगंज और यहाँ से हमारी जिम की दूरी, तो एक्चुअली फ्रेंड का कॉल था उसी के साथ हम जिम जा रहे हैं बिकॉज जिम में जब पार्टनर होता है साथ में तो जिम करने का मजा कुछ अलग होता है, मतलब हेल्प मिलता है बहुत सारा। एंड कल से सुबह भी जिम जाएगा, आज वो काफ़ी नींद में था, मैंने उसे बोला तो वो बोला कि नहीं भैया आज रहने दो, कल से मैं भी चलूँगा। तो कल से छोटा भाई सुबह भी आए, तो वर्कआउट कम्प्लीट हो गया। आज मेनली कार्डियो हुआ है, मतलब कोई भी सेट पे नहीं। बाबा ने बोला, मतलब हमारे जिम ट्रेनर ने, कि अभी कार्डियो करो क्योंकि तुम्हें कटिंग में जाना है, फैट लॉस करना है। तो अभी फिलहाल मेरा कार्डियो चलेगा, एक दिन कार्डियो एक दिन सेट करके। एंड काफ़ी ज़्यादा हिदायत दिया गया है, चीनी नहीं खाना है एंड बहुत सारा हिदायत है, तला हुआ पूरी और भी नॉन वेज, मतलब ना के बराबर खाना है सब। और अब हम घर लौट रहे हैं, 8:40 हो चुका है, काफ़ी लेट हुआ क्योंकि दाढ़ी बनाने में लगभग 40 मिनट का टाइम हमें लग गया। तो दाढ़ी बन चुका है, वर्कआउट भी हो गया एंड ये देख सकते हैं पूजा ने बोला था स्पेशली बिस्किट वगैरह लेने के लिए, तो ये बिस्किट है एंड नींबू वगैरह हमने लिया है। क्या बात है बेटा, बड़ी हंसी आ रही है आपको। हाँ गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग। अरे गिर गया मैं बच्चा। चुखो शिवांश रात के 12 बजे भी उठ गया था, और डेली नहीं उठता है बट आज उठ गया था क्योंकि दोपहर में बहुत सोया था इस वजह से उठ गया था ये। और फिर मॉर्निंग में 4 बजे, तो इसका डेली का रूटीन है कि ये 4 बजे ही उठ जाता है, 4 या 4:30 में ये उठ ही जाता है। ये हाथ में चोट वोट लग गई थी उस टाइम से इन्होंने छोड़ रखा था, फिर इन्होंने ज्वाइन किया है, आज से स्टार्ट है क्लासेस। है ना, ये देखिए ऐसे 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 ये पकड़ पकड़ के पलंग इधर आता है और फिर चार्जर ये बोर्ड में लगा रहता है तो इसको अपने हाथ से खींच के गिरा देता है। ये तो खुश हो जाएगा कि मुझे मम्मा रूम से निकाल रही है। अब नहीं, मम्मा को उम्मा दे दो शिवांश, एक उम्मा दे दो मम्मा को, उम्मा टैडी को उम्मा दे दो, जाओ टैडी को उम्मा दे दो, तुम्हारी टोपी इधर से इधर हो गई, रुको। अच्छा बहुत कूद लिया ना, थक गया होगा बेटा। और तेल मालिश कर दूँ, वैसे तो चला इसको भी तोड़ना है क्या आपको, ये वाली छोड़ दो ये टूट गई है। कल के ब्लॉग में देखा आपने कि हम मैकबुक लेने गए थे, ले नहीं पाए थे, आते आते घर पे मैंने उसे ऑनलाइन कर दिया है, साथ में मैंने एक हार्ड डिस्क भी ऑर्डर किया है SSD। अब हार्ड डिस्क का नया रूप आ गया SSD जो काफ़ी फास्ट होता है, इमीडिएट पे आना चाहिए मुझे। तो चलते हैं मॉर्निंग। ठिठुरता हुआ ठंड है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ, आपके यहाँ कैसा ठंड है आप लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ टेम्परेचर कितना है मैं आपको बताता हूँ अभी। हे गूगल टेम्परेचर फ्रॉम हेयर, अभी यहाँ का टेम्परेचर है 11 डिग्री। घर के बाहर है, देख सकते हो यहाँ पे गमला, जो भी गमले हमने लगाए थे बिल्ली ने इसे उल्टा उलट दिया, मतलब पलट दिया है एंड इसकी वजह से ये पूरा बाहर आ गया है। और यहाँ और भी गमले, इसको सही से लगा देना है। और
कुछ गमले हमने और भी मंगाए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि 2022 एकदम ग्रीन ग्रीन सा होने वाला है। इस बार हम बहुत ज्यादा पेड़ पौधे और मतलब ये सब लगाने वाले हैं। इधर है बेटा, बाय बाय सुबह सुबह बाय बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा ना, और हाँ चाप लेगा इसमें। चलो चलो हटो, छोड़ो 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 छोड़ो, इसको इसमें लॉक होना चाहिए था मम्मी, क्या चाबी होना चाहिए था सब में, चाबी रखते उधर भुला जाते। और मॉर्निंग मॉर्निंग अभी पापा जी का नाश्ता चल रहा है, मीठा और शेरा। संक्रांत कब है? 14 को पालक कुकर में है उबला हुआ, पालक पनीर के लिए प्याज। ये क्या बन रहा है? आलू गोभी बैठ और पालक पनीर बनने वाला है, जो मुझे पनीर काफी पसंद है, पालक पनीर पसंद है, पनीर ज्यादा पसंद नहीं है। होटल में मम्मी 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 होटल में ऑप्शन नहीं होता है ना, अब जाके मैं क्या बोलिएगा कि आलू गोभी आलू मटर का सब्जी दीजिए, या तो लोग बाहर खाता है तो पनीर, या तो पनीर खाता है मम्मी, या तो पनीर खाता है या तो नॉन वेज लोग खाना चाहता है। दादा को दादा का पैर दबा दो बेटा, दादाजी का पैर दबा दीजिए। और हमारे किचन में भी नया नया कारपेट भी लगा है, वैसे मैंने आपको दिखाया नहीं था ये, मतलब कब लगा, कल लगाया ना, परसों ही लगाया, क्योंकि ठंडे में प्रॉब्लम होती है, टाइल्स वगैरह बहुत ठंडा हो जाता है और मम्मी जी को मोजा और जूता पहन के आना पड़ता है। शिवांशु बोल रहा है कि छोड़ दीजिए हम बाहर जाएंगे घूमने, देखे 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 मारा, देखिए शिवांशु चलो मारो 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 मारो, छोड़िए ना मारेगा मम्मी, देखिए बेटा बेटा मारिए मारिए बेटा मारिए। तो क्या हम लोग कल पटना गए हुए थे मैकबुक लाने के लिए, तो जब घर पे आए तो पता चला कि बनी मतलब आज सब हदें पार कर दिया था, आज घर से लगभग दूसरे तीसरे गांव चला गया था। और पता नहीं इधर वो, मैं कितनी बार ब्लॉग में बोल चुका हूँ आपको कि बनी इधर बहुत ज़्यादा भागता है घर से, पहले ऐसा नहीं था बट इधर वो घर से मतलब कोई अगर दूसरे डॉग को देख रहा है तो उसके साथ ही चला जाता है और काफ़ी दूर चला जाता है, तो बहुत दिन से पाल रहे हो तो ऐसा क्यों कर रहा है, एंड इसको मतलब क्या रीज़न है इसका, आप बताना हमें, ठीक है। तो बैठा हुआ है और मम्मी जी ने अभी जस्ट इसको सफाई की है छत की पूरी, एंड इसने पेपर को मतलब कूट को फाड़ा है। प्रेनिया पिटाई की है इसका, करने के बाद पिटे क्या है, नहीं पिटना चाहिए ना, ये डेली भाग रहा है, कौन खोज के लाएगा इसको, बताइए डेली का डेली भूख रहा था इसे काटने के लिए। बोल रहा होगा कि भाई ये हमको खिलाता है तो मार सकता है, दूसरा क्यों मारेगा, ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी है, दूसरा आदमी है, पहचान रहा था ये। तो अभी देख सकते हैं किचन में जस्ट आए और ये देख सकते हैं कितना सारा छीटा उड़ा हुआ है। मम्मी क्या था भाई, क्या हुआ किचन में, देखिए ना क्या किया है। तो अभी मम्मी जी से हेवी वाला डांस बनवाने वाले हैं, अभी देख लेना, एक तो काम करेगी सारे भाई, एंड जो भी करती है उसे भी देख सकते हैं पूरे किचन में इसने, मम्मी देखिए क्या किया है पूरा, देखिए किचन में पूरा इस सब पे गंदा गंदा गंदा, देखिए एक भी काम ढंग से नहीं करती है, एक काम करने आती है ढंग से नहीं करती है, सारा चीज गंदा करके रखती है, देख सकते हैं अभी। मम्मी मम्मी आप डांट रहे हो, बेशरम की तरह स्माइल कर रहे हो, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे अच्छी खासी अभी पूजा को डांट लग चुकी है, और कहाँ डांट लगते लगते शिवांशु भाग रहा है, और मम्मी जी ने इतना डांटा अभी कि शिवांश डर से भाग रहा है कि हमको डांट न पड़े दादी से। शिवांशु पानी का बोतल है ये, अरे पी रहा है मम्मी, पानी पी रहा है, दूध नहीं पिएगा इसमें, इसका नखरा आप देख सकते हो, इसको बोतल में पानी चाहिए दूध नहीं। शिवांशु मम्मी आपका सेकेंड डोज हो गया ना, वैक्सीन मिल गया आपको, सभी लोग घर में भर गया ना, पापा जी को, खाली पापा जी को नहीं मिला है, आसपास से न लिए था। तो सेकेंड डोज वैक्सीन दिलवाना है पापा जी को एंड पूजा को, बाकी सभी लोग फैमिली में ले चुके हैं, बस उन लोगों का बच गया है। एंड अभी देख सकते हो कोरोना फिर से बढ़ रहा है हमारे यहाँ, तो आप लोग भी जितना हो सके सेफ रहो, सतर्क रहो, घर में भी लगभग चीज अब धीरे धीरे बंद होती जा रही है, तो देखते हैं इस बार। तो पूजा वैक्सीन तो मुझे दिलवाना है ना, कब, जब आप ले जाइएगा तब, कल दिलवा देते हैं वैक्सीन आपको वैसे भी। शिवांशु मामा को बोतल दे दो, मामा को दे दो बोतल, दे दो मांगो।
सारे व्लॉग से हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी करें।